हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से एक नए फेस ट्रीटमेंट के बारे में मैं बताने वाली हूँ जिसका नाम है कार्बन लेज़र फेशियल। आज वीडियो में हम देखेंगे क्या है ये कार्बन लेज़र फेशियल, इसके बेनिफिट्स क्या है एंड इसकी एक्चुअल प्रोसेस क्या है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो। कार्बन लेज़र फेशियल ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाला लेज़र फेशियल है। इसे हॉलीवुड फेशियल और चाइल्ड डॉल पील फेशियल के नाम से भी जाना जाता है। हॉलीवुड फेशियल इसे बोलते हैं क्योंकि ये हॉलीवुड के एक्ट्रेस में काफ़ी फेमस है। अगर आपकी स्किन बेजान एंड मुरझाई हुई है तो आप ये फेशियल ट्राई कर सकते हैं। आज के समय में ये भी एक बहुत ट्रेंडिंग फेस ट्रीटमेंट है। कार्बन लेज़र फेशियल से ऑयली स्किन, ब्लैक हेड्स एंड पिंपल जैसे कंप्लेंट्स से छुटकारा मिल सकता है। फेस के रिंकल्स भी इससे बहुत कम दिखते हैं। कार्बन लेज़र फेशियल से चेहरा डीप क्लीन भी हो जाता है एंड स्किन बेबी सॉफ्ट हो जाती है। अब देखते हैं क्या है कार्बन लेज़र फेशियल करने की प्रोसीजर। इसे दो स्टेप्स में किया जाता है। पहले स्टेप में चेहरा पूरा क्लीन करके उसे लिक्विड कार्बन पैक लगाया जाता है। फिर वैक्यूम सक्शन जैसा प्रोब होता है उसका इस्तेमाल करके कार्बन लेयर को हटाया जाता है। उसके साथ चेहरे की पूरी गंदगी भी निकल जाती है एंड चेहरा डीप क्लीन हो जाता है। अब देखते हैं क्या है इसके बेनिफिट्स। बेनिफिट्स में सबसे पहला पॉइंट है कि ये पेनलेस ट्रीटमेंट है। सेकेंड पॉइंट है इसे करने में सिर्फ 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। थर्ड पॉइंट है इसका कोई डाउन टाइम नहीं है। फोर्थ पॉइंट है हाइपर पिगमेंटेशन को ये कम करता है। फिफ्थ पॉइंट है इससे स्किन कलर, स्किन टेक्सचर इक्वल हो जाता है। सिक्स पॉइंट है स्किन के जो क्लोज पोर्स होते हैं उसको ओपन करने का ये काम करता है। सेवन पॉइंट है जो डेड स्किन लेयर होता है फेस का, तो वो भी इसके एक्सफोलिएट हो जाता है। सो ये है इसके बेनिफिट्स। अब देखते हैं कार्बन लेज़र फेशियल कितने दिन में कर सकते हैं। सो हम 1 मंथ के बाद ये रिपीट कर सकते हैं। अब देखते हैं कार्बन लेज़र फेशियल करने के बाद कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सो ये फेशियल करने के बाद तुरंत आप सनस्क्रीन SPF 50 वाला लगाना चाहिए। चेहरे को स्क्रब ना करें। कुछ मेडिसिंस होते हैं जिस मेडिसिंस में रेटिन ए, हाइड्रोक्विनिन एंड ट्रेटिनोइन ये कंटेंट्स होते हैं, ये मेडिसिंस ना यूज़ करें, क्रीम्स ना यूज़ करें। उसके बाद केमिकल पीलिंग भी ना करें। अब देखते हैं माइक्रो नीडलिंग एंड कार्बन लेज़र फेशियल दोनों में से अच्छी ट्रीटमेंट कौन सी है। सो अगर आपके फेस पे ज़्यादा पिंपल्स है, स्किन की अगर टेक्सचर कलर आपको इम्प्रूव करना है, फाइन लाइंस कम करने हैं, ये सब करने के लिए आपको कार्बन लेज़र फेशियल करना चाहिए। क्योंकि अगर फेस पे पिंपल्स है तो माइक्रो नीडलिंग नहीं कर सकते। और अगर फाइन लाइंस, रिंकल्स कम करने हैं एंड फेस के जो गड्ढे होते हैं उसको कम करना है तो माइक्रो नीडलिंग बहुत अच्छा काम करता है। सो ये डिपेंड्स ऑन आपको क्या करना है। अब देखते हैं कार्बन लेज़र फेशियल कौन कर सकता है। कार्बन लेज़र फेशियल कोई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके फेस पे पिंपल्स है, ब्लैक हेड्स है, तो ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है उनके लिए। एंड सबसे अच्छा बेनिफिट इसका, ये किसी भी टाइप के स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो ये हो गया ऑल अबाउट कार्बन लेज़र फेशियल। आज का वीडियो यही ख़त्म करती हूँ। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन को क्लिक जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।